हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा। उसके लिए मैंने ब्रेड ली है और कुछ सब्जियां चॉप करके रख ली है। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न लिया है और चीज को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम ब्रेड का एक साइड लेंगे और उस पर तंदूरी मेयोनीज लगा देंगे। अगर आपके पास नॉर्मल मेयोनीज है तो आप वो यूज कर लीजिए, चीज स्प्रेड है जो भी है। और अगर आप नहीं भी चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चीज तो वैसे भी इसमें डलने ही वाली है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारी सब्जियां स्प्रेड कर दी हैं। गाइस, पिज्जा हम सभी को पसंद होता है, छोटे हो या बड़े हो, पिज्जा सबको पसंद होता है। बट क्या होता है कि बाहर से इस टाइम पे मंगा नहीं सकते, कोरोना चल रहा है, मम्मी पापा बहुत डांट लगाएंगे। और घर पे कौन बनाए उसका इतना, वो आटा गूंथे, पहले उसको रखो, फिर उसको निकालो, फिर काफी उसका बेस का बहुत हैवी काम होता है। सो जिसको बेस बनाने में आना चाहता है, वो ब्रेड पिज्जा बना लो, सिंपल सा है और मतलब वही अच्छे वाला टेस्ट आने वाला है। सो उसके ऊपर मैंने सारी सब्जियां, स्वीट कॉर्न सब डाल दिया था और उसके बाद हम डाल देंगे चीज। और ब्रेड के दूसरी साइड हमने लगा लिया है पिज्जा सॉस। गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉसेस वगैरह नहीं लगाए, क्योंकि चीजों में लिमिटेड एक फ्लेवर हो ना तो वो अच्छा टेस्ट देती है। मतलब आपको बिल्कुल भर नहीं देना है उसको, थोड़ा सा ऐसा भी तो होना चाहिए कि हाँ यार घर पे बनाए, थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। जब आप घर पे बना रहे हो तो आप अपनी तरफ से चीजों को हेल्दी रख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिज्जा का मतलब ओरिगेनो और काली मिर्च स्प्रेड कर दी थी इसके ऊपर। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं, बट ओरिगेनो में हर्ब्स होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, मतलब एक अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नॉनस्टिक तवा और उसके ऊपर बटर स्प्रेड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बटर भी सेक रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी में भी सेक सकते हैं। तो हम दोनों ब्रेड को रख देंगे और इन पे अच्छे से बटर लगा लेंगे। तो गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, मतलब आप इसको सेक तो माइक्रोवेव में भी सकते हो, बट ये क्रिस्पी नहीं हो पाता है। और चीज़ें ये ब्रेड ना क्रिस्पी अच्छी लगती हैं। सो आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में सेक लीजिए, बट मेरा आपको ये राय रहेगी कि आप इसको तवे पे ही सेकें, तभी वो क्रिस्पी बनेगी। ज़रूरी नहीं है आप नॉन स्टिक तवा ही लें, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। बी कंफर्टेबल, हम घर पे बना रहे हैं भाई। सो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत करारी हो गई है। और ये छोटू सा ये जो स्वीट कॉर्न है ना, ये मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा था, ये बार बार निकल के इधर उधर भाग जा रहा था, तो मैंने इसका जुगाड़ लगा दिया। सो इग्नोर इट। सो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्रिस्पी और यमी हो गई है। और अब मैं इसको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये बीच से कितनी टेम्पटिंग लग रही है। सो आप इनको सॉस के साथ या जैसे भी चाहे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and keep supporting me. So thank you very much.